पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अब की बार 140 के पार, स्कोर 140 प्लस इन 69 बीपीएससी पीटी। जब हम ये बातें कर रहे हैं, हो सकता है आपके मन में बहुत ही ज्यादा डाउट हो कि बीपीएससी का ट्रेंड इतना बदल चुका है, यूपीएससी की तरह हो चुका है, 140 तक हम लोग कैसे लेके आएंगे। लेकिन लेके आ सकते हैं और आएगा भी। वो इसलिए कि हमारा अनुभव 67 का भी है। 67 में हमारे नोट से, टेस्ट सीरीज से करीब 105 प्लस क्वेश्चंस आए थे, मैच किए थे। और यही ट्रेंड जो है 68 बीपीएससी पीटी में, जब सारी दुनिया को, बहुत हद तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ, हमारे 85 प्लस क्वेश्चन करीब, जितना हम लोग चेक किए तो करीब 85 प्लस क्वेश्चन हमारे नोट से और टेस्ट सीरीज से आए। उसका प्रूफ भी है और आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से उसका प्रूफ भी ले लें। अब ये बात हम ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे पास कौन सा प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ ये है कि जो भी बच्चे हमारे क्लास में ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और क्लास में जो भी नोट्स, जो भी टेस्ट सीरीज होता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसी दिन अपलोड कर दिया जाता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन की मैचिंग की भी हम बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कौन सा मैच किया, कैसे मैच किया, कौन से पोर्शन से मैच किया, वो सारा प्रूफ जो है उपलब्ध है। यदि उसका प्रूफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके प्रूफ ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसकी पृष्ठभूमि बताते हैं। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन बार बार ये कहते थे कि जो बच्चे सालों भर, वर्ष भर, थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करेंगे उन्हीं का होगा। ऐसा ये क्यों कहें? उसका वजह ये था कि वो देख रहे थे कि सिविल सर्विसेज के बच्चे, बीपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, और सिविल सर्विसेज के बच्चे जो हैं उनका प्राकृतिक झुकाव जो है गाइड से आता था। मींस वो गाइड ही पढ़ते थे और गाइड को ही पढ़ने से, याद करने से, रटने से उनको ये लगता था कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। ये चाहे हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें या स्टूडेंट्स के जो गाइड करते हैं उनकी बात करें। और ये बहुत आसान तरीका था, जो हमारे मन को भाता है वही अच्छा हम लोग को लगता है। लेकिन मन का भाना जरूरी नहीं है कि आपके करियर में वो मदद करे। अब कोई दवाई यदि मीठा हो तो जरूरी ये नहीं है कि आपको ये फायदा करे। तो मीठा पढ़ाई भी हमेशा फायदा नहीं करता है, खास करके सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज में पढ़ने के लिए बहुत सारे रेफरेंस बुक होते हैं, बहुत सारा सरकारी रिपोर्ट होता है, बहुत सारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट होता है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरे लिए तो खैर वो, हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं इसीलिए हमारा दिनचर्या ही पढ़ाई के इर्द-गिर्द घूमता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे बच्चों जिनको सिविल सर्वेंट बनना है, एकेडमिशियन नहीं बनना है, तो सिविल सर्वेंट स्टूडेंट्स के लिए, जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, उनके लिए सवाल ये हमेशा उठता है कि 6 महीने में, 3 महीने में हम लोग कैसे कोर्स को कंप्लीट करें, जो कि एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर हमारे पास ये था, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह, समाधान देने के लिए आपके साथ, तो हमारे पास समाधान ये था कि क्लास को 4 घंटे का मॉड्यूल बनाया जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए, और जितना भी उसमें एमसीक्यू बनता है
चाहे जितना भी किताब हो, सारा एमसीक्यू के माध्यम से टॉपिक को क्लियर किया जाए। और नतीजा यही रहा कि हमारे बच्चे जो हैं ऑन एन एवरेज जो है 90 प्लस जो है बना के एग्जाम्स में आए। तो जो बच्चे पहले डर रहे थे कि इस तरह का कैसे हम लोग 1.5 साल 2 साल का फाउंडेशन का जो किताब होता है उसको 3 महीने 6 महीने में हम लोग कवर किए, तो हमारा स्पेशल मॉड्यूल ही इस तरह से डिवाइस्ड हुआ कि इन बच्चों को मदद किया जा सके। और अल्टीमेटली हमारा रणनीति, हमारा स्ट्रेटजी जो है ये कामयाब हुआ। तो मूल बात ये है बच्चों कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। फिर से बात करना चाहेंगे, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और इसी के साथ हम लोग 69th बीपीएससी बैच जो है हम लोग चालू करना चाहते हैं, और इसमें हमारा प्रयास है कि 140 प्लस क्वेश्चन जो अपने अनुभव के आधार पे, अपने रेफरेंस मटेरियल के आधार पे, अपने टेस्ट मटेरियल के आधार पर हम लोग उसको 140 प्लस कवर करें। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, जो हमसे जुड़ नहीं सकते हैं, और उसका एक कारण है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये लगे कि हमारा फीस बहुत ही ज्यादा है। इसका समाधान है, इसका समाधान ये है कि हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट में हम लोग वो जेन्युइन उन बच्चों को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जो वाकई में चाहते हैं कि जीवन में कुछ कर सके। क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो इंसान मन से हार जाए वो कभी नहीं जीत सकता। यदि आप मन से जीते हुए इंसान हैं, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। संडे 25 मार्च को ये टेस्ट होने वाला है, और जो बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स इसमें पास करते हैं उनको 75% डिस्काउंट दिया जाएगा, 75% उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यानी हम लोग उतने ही फीस चार्ज करेंगे जो हमारे नोट्स, जो हमारे रेफरेंस मटेरियल, जो हमारे टेस्ट सीरीज का प्रिंटिंग का, आपका फोटोकॉपी का ये कॉस्ट लगे। तो कॉस्ट कॉस्ट से कवर करके ये बच्चे यदि स्कॉलरशिप में पास करते हैं तो ऐसे बच्चों को हम लोग प्रोत्साहन करेंगे कि आप भी अपने करियर को बनाएं। याद रखिएगा, दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। यदि आप करियर बनाना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और किसी भी तरीके का जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, एक अवसर है, एक मौका है, हम लोग अपने भविष्य को संवारें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।